नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर ऐसा एहसास मेरे को हो रहा है कि जैसे कि ग्रहिक परिस्थिति एक के बाद एक। हम लोगों के लिए नए चेंजेस, नई समस्याएं उत्पन्न करती हुई नज़र आ रही हैं। उसी प्रकार से हमारे देश के लिए भी एक के बाद एक नई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और लगातार परिस्थितियों के अंदर होता हुआ बदलाव, परिस्थितियों के अंदर आती हुई कठिनाइयां सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बन गई है। जी हाँ, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने जम्मू के हालातों को देखा। जम्मू के अंदर स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई थी और ये जो जम्मू की स्थिति है ये केवल जम्मू के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। क्योंकि जम्मू के अंदर उत्पन्न होने वाले ये टेररिज्म रिलेटिव घटनाएं, ये हालात बद से बदतर स्थिति कर रहे हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, चिंता का विषय बन रहे हैं सभी भारतवासियों के लिए। क्योंकि टेररिज्म कभी भी किसी का भी घर नहीं देखता, टेररिज्म कभी भी सीमाएं नहीं देखता, कठिनाइयां ही बढ़ाता है पूरे विश्व के लिए। सभी विश्व का एक के बाद एक इसी विषय को लेकर के अब एक नई एकता भी बनती जा रही है सभी देशों के अंदर। तो सभी विश्व के अंदर बोल गया मैं, सभी देशों के लिए एक के बाद एक बोलना था, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस समय के ऊपर 600 से ज़्यादा SSG कमांडो जो सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान के भारत के अंदर आए हैं, पाकिस्तान ने ओपनली भारत को लड़ाई करने के लिए कहा, और जबकि वो ये भूल गया कि उसके पास में खाने के लिए सामान नहीं है और वो लड़ाई करने के लिए भारत को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। और ये जो टेररिज्म रिलेटिव घटनाएं घट रही हैं ये भी उसी का ही एक हिस्सा मानी जा रही है। क्योंकि अमेरिका का फंडिंग करना लगातार पाकिस्तान को उकसाने के बराबर है और पाकिस्तान के पास में जेब में पैसे आते ही पाकिस्तान ने ये विवादित बयान भी दिया था जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि अभी पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये केवल एक प्रॉप्सी प्रोपगेंडा था। इसके बाद में अभी थोड़े दिनों के बाद में लगातार चाइना इस प्रकार से हरकतें कर रहा था कि हम लोगों को चाइना के रिलेटिव खतरा महसूस होने लगा। चाइना के रिलेटिव अभी ये समझ में आने लगा कि अब चाइना भी कभी ना कभी पाकिस्तान के साथ में मिल करके या फिर किसी ना किसी डायरेक्शन से भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अक्साई चीन जिसको भारत अपना एक हिस्सा मानता है, भारत अपना हिस्सा मानता है और हम लोग ये भी मानते हैं कि भारत में चाइना और भारत के मध्य के संबंध जो खराब है वो केवल इसी हिस्से को लेकर के हैं। विस्तारवादी नीति अपनाने वाला ये चाइना धीरे धीरे अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है, कभी अक्साई चीन के अंदर, कभी लेह लद्दाख के अंदर। स्थितियों को विकराल बनाता हुआ चाइना अलग अलग कोई ना कोई एक ऐसा हस्तक्षेप करता रहता है जिससे ये महसूस होता है कि अब कठिनाइयाँ हमारे सामने कहीं दोबारे से निकल के तो नहीं आने वाली, क्या फिर से चाइना सभी के साथ मिलकर के हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर देगा जैसे भविष्य मालिका ने कहा गया है। तो भविष्य मालिका को सुनने वाले बहुत सारे दर्शकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होने के बावजूद चाइना अपनी ताकत को भारत के जगह के ऊपर, भारत के ऊपर बढ़ाता जा रहा है। भारत के लिए एक, भारत और चाइना के मध्य में अक्साई चीन की पेंगोंग लेक के ऊपर अभी चाइना ने एक पुल बनाया। वैसे तो ये हिस्सा भारत का ही है लेकिन चीन के अधिपत्य में है इसलिए अक्साई चीन कहलाता है ये। तो चाइना ने जो पुल बनाया, सैटेलाइट इमेज ऐसी दिखाई गई जिसके अंदर पता लग रहा है कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पुल के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आवाजाही हो रही है। तो इसका मतलब है कि पेंगोंग लेक के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने वाला ये पुल, लगभग 134 किलोमीटर का पेंगोंग लेक का क्षेत्रफल है, उसमें से एक जगह के ऊपर ये बनाया गया है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने वाला ये पुल हमें ये दिखाता है कि चाइना कितनी तेज़ी से विस्तार आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर पुल बनेगा तो अगर भविष्य में सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो चीन को सपोर्ट मिल जाएगा अपनी सेनाओं को भारत के अंदर तक भेजने के लिए, चीन को सपोर्ट मिल जाएगा और भी ज़्यादा बड़े एरिए के अंदर अपनी सेना को विस्तार करने के लिए।
तो चीन ऑलरेडी अपने क्षेत्र के अंदर अपनी सेना का विस्तार करता जा रहा है, बॉर्डर के ऊपर लगातार गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। वहीं पर ये पुल बनना, जिसके माध्यम से ऐसा लगता है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर चीन एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, जो 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर चीन और भारत का युद्ध दोबारे से करवा सकती है। जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल रिसर्चर हैं वो ये बात बता रहे हैं कि हो सकता है आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर भारत और चाइना का युद्ध बहुत बड़े आयाम के ऊपर पहुंच जाए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर युद्ध होता हुआ नज़र आए, ऐसा कहलाया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यही समझ सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर युद्ध के हालात बद से बदतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो चाइना की तरफ से हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। वहीं पर पाकिस्तान और भी ज़्यादा चिढ़ गया है, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ थी उन्होंने पाकिस्तानियों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं करते, कंपेयर किया उन्होंने भारत के लोगों के साथ में, तो पाकिस्तानी लोगों को काम देने की बजाय वो भारत के लोगों को काम देने के लिए ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं, उनको ज़्यादा आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ के साथ भारतीय लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि ईमानदार हैं, उन्मूलों के खिलाफ नहीं कार्य करते और सोच समझ के अच्छे से कार्य करते हैं। तो इस्लामिक कंट्री के लिए पाकिस्तान का ये अलग सा कदम उठाना, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान को कितना छिन करा जा रहा है, कितना भिन्न करा जा रहा है। कभी ये बोला जाता है कि वो लोग मुसलमान नहीं है, कभी ये बोला जाता है कि वो लोग ठीक से काम नहीं करते, तो पाकिस्तान की सरकार के अंदर वैसे ही हम लोगों के लिए, आर्मी के अंदर हम लोगों के लिए ये कहिए कि जेलसी की भावना बढ़ी हुई है। तो यही जेलसी की भावना हो सकता है कि भविष्य के अंदर चीन के साथ में कोई रणनीति मिला करके भारत के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करी जाए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान और गुजरात के अंदर भी पाकिस्तान को लेके खतरा मंडराया हुआ है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों के अंदर पाकिस्तान को लेके खतरा मंडराया हुआ है। तो आने वाले समय के अंदर ये बात तो अब पुष्टि कर रही है कि एक युद्ध तो होकर रहेगा। वो युद्ध कितना तेज होगा, किस तरीके से होगा, किधर की साइड से होगा, इस बात का भी धीरे धीरे क्लेरिफिकेशन होती जा रही है। जैसे जैसे बड़े बड़े रिसर्चर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो जो ग्रहिक आकलन है वो 2025 के बाद में समस्याओं को विवादित करता हुआ नज़र आता है, और 2029 के अंदर तो बहुत ही बड़े विवाद को दिखाता है। तो हो सकता है कि 29 तक भारत को भी युद्ध देखना पड़ जाए, भारत भी युद्ध के अंदर शामिल हो जाए, या फिर हो सकता है कि हम वर्ल्ड वार का इंतज़ार कर रहे हैं तो वर्ल्ड वार की जगह के ऊपर भारत के सीमा विवाद को लेकर के युद्ध चालू हो जाए, जिस प्रकार से ईरान इसराइल के अंदर अब डायरेक्टली युद्ध शुरू हो रहा है और इसराइल के लिए बहुत बड़ा संकट का समय भी आ रहा है, और जिस प्रकार से पश्चिमी देश इसमें मध्यस्थता करते हुए नज़र आ रहे हैं, रशियन देश, यूरोपियन देश इसमें मध्यस्थता करते हुए नज़र आ रहे हैं, भारत भी न्यूट्रल कब तक न्यूट्रल रह पाएगा, आगे जाके तो उसको भी तो एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा, वरना सभी दोष सभी संगठन ये सोचेंगे कि भारत तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि भारत काम करने योग्य नहीं है, न्यूट्रल ही रहता है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है, जिसको जियो पॉलिटिकल स्ट्रॉम भी कहा जाता है। तो ये जियो पॉलिटिकल स्ट्रॉम अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फैलता नज़र आ रहा है और कठिनाइयों का दौर शुरू करता जा रहा है हर देश के लिए, हर जनता के लिए, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है उसका भुगतान वहाँ की रहने वाली जनता को करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश की क्यों ना हो। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चाइना अपना आधिपत्य जमाने के लिए धीरे धीरे अंदर पे अंदर घुसता जा रहा है, बहुत सोचने वाला विषय है, बहुत समझने वाला विषय है, और इसको यहीं पे ही अगर रोका नहीं गया तो आगे जाने के लिए एक बड़ा खतरा भी हम लोगों के लिए बन सकता है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस जानकारी से अवगत हो पाए और वो भी जान पाए कि आगे आने वाले समय में भारत के लिए भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।